फिशिंग विलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलिगेटर गार फिश के तथ्य दिखाएंगे। एलिगेटर गार एक रेफिनिड यूरिहेलिन मछली है जो इंफ्राक्लास होलोस्टी में बोफिन से संबंधित है। यह गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है और उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। जीवाश्म रिकॉर्ड अपने समूह के अस्तित्व को 100 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रेटेशियस में वापस खोजता है। उनका सामान्य नाम अमेरिकी मगरमच्छ से मिलता जुलता था, विशेष रूप से उनके चौड़े थूथन और लंबे नुकीले दांत। उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि एक मगरमच्छ का गार 10 फीट तक लंबा हो सकता है। वे आमतौर पर अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में पाए जाते हैं, जो झीलों, दलदलों और नदियों में रहते हैं। 2 घंटे तक पानी से बाहर रहने की क्षमता के कारण अन्य गार प्रजातियों की तुलना में मगरमच्छ गार मछली अद्वितीय है। इसके बड़े आकार के कारण लोग कभी कभी यह सोचकर मूर्ख बन जाते हैं कि एक सामान्य लंबी नाक वाला गार एक गैटोर गार होता है। हालांकि समान लंबाई की मछलियों के लिए घड़ियाल का गार अधिक चौड़ा होता है और एक अलग छोटा चौड़ा थूथन होता है। अब जबकि यह खतरनाक और आक्रामक दिखता है, सच तो यह है कि मगरमच्छ का गार उतना बुरा नहीं है। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि आप इसे खा सकते हैं, फिर भी यह एक बेहतरीन सामग्री बनाता है। गार का मांस खाने योग्य होता है, लेकिन इसके अंडों में इचिटियोटॉक्सिन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन विष जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। तथ्य यह है कि मानव पर कभी भी सत्यापित गार हमला नहीं हुआ है। कभी कभार होने वाले काटने की सूचना वास्तविक मगरमच्छों से मिलती है, गार से नहीं। ये मछलियां केवल खाने की परवाह करती हैं जो वे निगल सकती हैं, जो कि छोटा चारा है। उद्धरण चिन्ह। अब तक पकड़े गए सबसे बड़े मगरमच्छ के गार का विश्व रिकॉर्ड 8 फीट 5 इंच और 327 पाउंड का है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मछली 95 साल पुरानी थी। यह बहुत संभावना है कि वहां मगरमच्छ गार हैं जो 100 साल से अधिक पुराने हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें।